न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उमेश शर्मा। कुछ लंबे रह गए ने पंजाब दे चोण प्रचार लई या कुछ घंटे रह गए ने, किस दौर ते पंजाब है, कित्थे पंजाब जाएगा। जे आपां गल करिए राजनीतिक पार्टियां दी, सारी पार्टियां ने सारे वड्डे चेहरे चोण मैदान विच उतारे प्रचार किया। जे आपां गल करिए आम आदमी पार्टी की, तो साडे नाल मौजूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री स्टार कंपेनर अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू। मैं गल इतों शुरू करांगा कि बिजी रूटीन है थोड़ा और सवेर तो शाम तक हैक्टिक शेड्यूल है, सब कुछ है, राजनीति का हिस्सा है। कितने देखते हो पंजाब नू, पंजाब दे लोकां दे मनू कितने देखते हो कि किहड़े वल जा रहे हैं? देखो जी, पंजाब में सारी पार्टियों का राज आ चुका। 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादल परिवार ने राज किया। आज पंजाब के जो हालात हैं उनके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। पंजाब में नशा बिक रहा है, नौकरी नहीं है, स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं है, ये हालात इन्हीं लोगों ने पैदा किए। तो इतना इतने सालों के ये सारा पैसा कहाँ गया? सरकारी पैसा इन लोगों ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों को नफरत हो गई है इन पार्टियों से, लोगों को नफरत हो गई है इनके नेताओं से। पहली बार इस बार ऊपर वाले की कृपा से एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जो कि एक ईमानदार पार्टी है। और चारों तरफ हवा आम आदमी पार्टी की चल रही है अगर कहें तो। लेकिन पिछले 10-15 दिन से आप देखोगे ये सारे इकट्ठे हो गए, पहले की तरह आप हमेशा कहते हैं सारे इकट्ठे हो गए, ये एक ही भाषा बोलते हैं। ये केवल रोज मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ, ये सारे मिलके केवल और केवल हमारे को गालियां देते हैं और एक ही भाषा में गालियां देते हैं। ऐसे लगता है जैसे रात को ये कॉन कॉल करते होंगे आपस में कि, और डिसाइड करते होंगे तू ऐसे बोलियो मैं ऐसे बोलूंगा, फिर तू ठोकियो इतने बजे तू बोलियो सब। हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, हमें वोट दो, दिल्ली में स्कूल अच्छे करें, यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियाँ दी हैं, यहाँ भी नौकरियाँ देंगे। नशा बंद करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, बिजली 24 घंटे कर, यही तो कह रहे हैं हम। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी आए। सुखबीर बादल, चन्नी साहब, कैप्टन, इनको ये प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से कोई बन जाए दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है। भगवंत मान नहीं बनना चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, इनका सबका खेल खत्म हो जाएगा। मैं उस पर भी आवांगा। तुसी कहा कि अटैक हो रहा है, काफ़ी शब्दावली भी वरती जाती है इस इलेक्शन में। जो थोड़ी आप गल करिए प्रधानमंत्री मोदी, प्रियंका गांधी, तुहानू आतंकवादी तक भी शब्दावली यूज की गई है। मतलब आप देखो ये क्या कह रहे हैं, ये सारे ये कह रहे हैं केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है भारत के 2 टुकड़े करने का, और उसमें से 1 टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। क्या है ये, यकीन करने वाली बात है? केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 10 साल से प्लानिंग कर रहा है भारत के 2 टुकड़े करने के, और उसमें से 1 टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इन 10 साल में तो कांग्रेस की भी सरकार थी, 7 साल से बीजेपी की सरकार है। तो इतना बड़ा आतंकवादी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आतंकवादी हो गया। इतना बड़ा आतंकवादी इतने 10 साल से प्लानिंग कर रहा है, तो मोदी जी क्या सो रहे थे? उसके पहले कांग्रेस की सरकार क्या सो रही थी? इनकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया इतने बड़े आतंकवादी को? तो और एक और मजे की बात यह कि पहले राहुल गांधी जी ने यह कहा, अगले दिन मोदी जी ने वही शब्द इस्तेमाल किए, सेम बात बोली, फिर प्रियंका गांधी ने यह बात बोली, फिर सुखबीर बादल ने भी यही बात बोली, सेम चीज। मैं आ रहा हूं आज पठानकोट में, एक आदमी मिला मुझे, कहता सर मैंने सुना पहले राहुल गांधी ने बोला और सेम शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो कहता जी ऐसा भी दिन देखना पड़े, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जब मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोलेंगे। राहुल गांधी को तो कोई सीरियसली नहीं लेता, पर मोदी जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, ऐसा दिन देखना पड़ेगा, वो कहता है। अब एक चीज बताओ, राहुल गांधी जी ने 5 साल कांग्रेस की सरकार चलाई पंजाब में, और 5 साल सरकार चलाने के बाद ये केजरीवाल आतंकवादी है, इस नाम पे वोट मांग रहे हैं वो, इसका मतलब कुछ काम नहीं किया? काम करते तो काम गिनाते अपने, कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है, देश तोड़ने के प्लान कर रहे, क्या बकवास कर रहे हैं यार। थोड़े ही पुराने साथी कुमार विश्वास एक बड़ा ये भी क्या है, प्लानिंग है जी वही। मैं ये मतलब ये आप यकीन करोगे कि केजरीवाल 10 साल से प्लानिंग कर रहा है कि भारत, हो सकता है उसने हास्य कविता करी हो
इन्होंने सबने सीरियसली ले लिया और कहना चालू कर दिया कि वो तो कवि है, कुछ भी कह देता है। अच्छा अरविंद जी, गल आप करिए कि थोड़े ते तुसी कह रहे हो कि अटैक हो रहा है, भगवंत मान सीएम फेस अनाउंस किया या पहला भी एजुकेशन लेके सीएम चन्नी कहते हैं कि घट बारहवीं शराबी है, क्या लगता है क्या रणनीति लगती है कांग्रेस की या क्या भगवंत मान से अटैक? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भगवंत मान जो भी है, अनपढ़ है, शराबी है, कपड़े अच्छे नहीं पहनता, मोटा हो गया, उसका कुर्ता भी लूज है, उसकी जैकेट भी अच्छी नहीं है, देखने भी सुंदर नहीं है, जैसा भी है पंजाब के लोगों को पसंद है जी, बस बात खत्म। पंजाब के लोगों को बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सोना लगता है, चन्नी साहब को अच्छा नहीं लगता, ना लगे अपने को क्या चन्नी साहब, वोट ना लगता कि रणनीति का हिस्सा है कि इदां दी अटैकिंग या इदां दी शब्दावली चाहे किसी भी पार्टी दी होए ना, ये है। चन्नी साहब बार बार कह रहे थे 111 दिन में मैंने बहुत काम किए, तो काम गिनाए, एक भी सभा में उन्होंने अपना एक भी काम गिनाया? हम काम गिनाते हैं, आपने मेरी सारी सुने होंगे वीडियो भी और इंटरव्यू भी, मैं कहता हूं जी हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, पंजाब में भी करेंगे, इसलिए वोट दो। चन्नी साहब ने 111 दिन में कहते हैं मैंने खूब काम कर लिए, वोट किस बात पे मांग रहे हैं? भगवंत मान अनपढ़ है, भगवंत मान शराबी है, केजरीवाल काला है, राघव गोरा है, इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो, इसका मतलब काम कुछ नहीं करे। जब काम ना करो तो आपको गालियों की राजनीति करनी पड़ती है। अच्छा एक बार बार जिक्र होंदा है कि जी पहला भी 2000 जो इलेक्शन 17 दे सी कि बड़ी हवा सी, लास्ट मौके दे आम आदमी पार्टी चूक जाती है, और राजनीति विच तुसी भी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हो, सीएम हो, 24 घंटे बड़े अहम होंदे अरविंद जी, वो तुहानू पता है मैं की कहना चाह रहा है कि 24 घंटे दे पहले इलेक्शन तो वोटिंग तो पहला बड़े चीजा चलदियां ने, वो चाहे पैसे की गल होए या लिकर्स की गल होए, ये आम आदमी पार्टी किदां मैनेज करेगी? मैं एक तो ये तो एक बड़ा इस बार लोग मन बना चुके हैं, एक लड़का आया मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि किसको वोट दोगे, बोला जी झाड़ू को, तो मैंने कहा फिर वो पैसे लेके आएंगे, शराब लेके आएंगे, फिर क्या करोगे? कहता जी पैसे और शराब उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। फिर मैंने उसका समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते, लेकिन मैं जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा आप भी देख रहे होगे जी, सारा पंजाब देख रहा है पिछले कुछ दिनों में कैसे ये सारे भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग, चोर उचक्के सारे इकट्ठे हो गए हैं केवल पंजाब को हराने के लिए कि पंजाब में ईमानदार सरकार नहीं बन चाहिए। इस बार 3 करोड़ पंजाबियों, आप भी सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे इकट्ठे होकर इस बार अपने को सिस्टम बदलना है, इस सिस्टम को उखाड़ फेंको, ये बीजेपी कांग्रेस अकाली दल का सिस्टम बहुत भ्रष्ट सिस्टम है, इस बार इनको उखाड़ फेंकते हैं और एक नया सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी का ईमानदार सिस्टम। टक्कर विच किनू देखदे हो क्योंकि तुसी बार बार पंजाब आए, टक्कर ये सारे सिस्टम से है जी, इन तीनों पार्टियों के सिस्टम से टक्कर है, ये सारा एक ही सिस्टम है। सुखबीर बादल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चन्नी जी बन जाए, कैप्टन अमरिंदर बन जाए, कोई बन जाए, चन्नी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बन जाए, इनको भगवंत मान नहीं बनना चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, इनको तीनों को यही प्रॉब्लम, चारों पांचों को यही प्रॉब्लम है। तो पंजाब की जनता भगवंत मान को पसंद करती है, पंजाब की जनता ईमानदार सीएम और ईमानदार पार्टी चाहती है। आपने कुछ दिन पहले तुसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी परसों मोहाली के व्यापारियों नू डरना नहीं चाहिए, अभी लाइसेंस जिहड़ा हैगा अपना इंस्पेक्टरी राज खत्म करांगे, सुखबीर बादल दी भी पीसी आपां देखी सेम हो, वादे बहुत ने पार्टी सारी वाद कर दियां पार्टियां वादियां, तुहानूं की लगदा कि तुहाडे ते भरोसा जनता किवें करे कि क्यों करके चले? क्योंकि जनता ने दिल्ली देखी है, जनता ने देखा दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जनता ने देखा कि दिल्ली में जो ये कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता को भरोसा है हमारे ऊपर। इस बार का इलेक्शन तुसी जिदा मैं जिक्र किया स्टार्टिंग के तुसी नुक्कड़ सभा पिंड विच गए हो, रोड शो किते हैं, आम पब्लिक आगे थोनू मिलती है, गल्लां भी करती है, डिफरेंट की लगा थोनू ऐतका इलेक्शन के बिल्कुल अलग है, पार्टियां भी क्योंकि बीजेपी आ गई मैदान च, किसान मोर्चा हैगा मैदान च, होर सारी पार्टियां अलग अलग वक्री। बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है जी, मैं आज ही पूरे माझे एरिया में जो कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी का कमजोर इलाका है, पूरे माझे में मैं 7 हलके कवर करके आया हूँ, और क्या जबरदस्त जनता का रिस्पॉन्स था। जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता भी सिस्टम उखाड़ के फेंकना चाहती है, इनसे सबसे परेशान हो चुकी है, नफरत करने लगी है जनता पार्टियों से, नेताओं से। आजकल तुसी लिख के दे रहे हो भविष्यवाणी अरविंद जी कि दोनों सीटें चन्नी हार रहे हैं, हमने सर्वे कराया था जी, जैसे आप सर्वे कराते हो, 3 बार मैंने सर्वे कराया, इसका मतलब क्या हुआ? चमकौर साहब से 2007 से सीएम है वो, चमकौर साहब के स्कूल ठीक नहीं हुए, चमकौर साहब के अस्पतालों का बुरा हाल है,
चमकौर साहब में रेता चोरी हो रही है खूब बड़े स्केल के ऊपर, इसलिए जनता बहुत नाराज है उनसे। जो शख्स 15 साल में एक हलका ठीक नहीं कर सकता वो पंजाब क्या संभालेगा। इसलिए मैंने लिख के दिया था, सर्वे कराए हमने, सर्वे में बहुत नेगेटिव आया उनका। क्योंकि अब सिर्फ 20 तारीख नजदीक है, वोटिंग है, सर्वे में सीट भी आपने, आपको कितनी सीट आप देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट लम्हे आप पूरा पंजाब घूम चुके हैं 2 बार। आप लोगों के सर्वे दिखा रहे हैं कि 65 के करीब आ रही है, 65 में सरकार तो बन जाएगी लेकिन थोड़ी कमजोर होगी, 80 आनी चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए ताकि भगवंत मान को अगर कड़े निर्णय लेने हो तो वो ले सके। तो सारे जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, फोन उठाओ, सबको फोन करो, पंजाब में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बोलो भी झाड़ू का बटन दबाना है, अपनी गली में जाओ, सब घरों में जाके बोलो कि झाड़ू का बटन दबाना है, अपने पिंड में घर घर में जाओ, और वोटिंग वाले दिन वोट डालने जरूर जाना, कोई भी घर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप सारे वोट डालने चले गए 80 के ऊपर सीट आ जाएगी। आप कहाँ रहेंगे उस दिन? मैं तो यहाँ रह नहीं सकता, कानूनन मेरे को निकलना पड़ेगा, कल शाम 5 बजे मुझे पंजाब छोड़ना पड़ेगा। तो एक जल्दी से 2 सवाल लेता हूँ। तुसी ये हमेशा कहते हो कि बदलाव चाहते हैं लोग, सारी रवायती पार्टियों देख चुके हैं, तुसी कहते हो दिल्ली मॉडल, विरोधी पार्टियां कहती है कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली पंजाब एक वक्रा स्टेट है, इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। थानू की लगता है कि इस चोणों में मुद्दे काफी ने, एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम दिल्ली, एज ए स्टार कैंपेनर, एज ए वड्डा चेहरा पंजाब के इलेक्शन च लग्या? सबसे बड़ा चेहरा इस टाइम जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की बात, देखो जी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी इसके पहले 10 साल, अब 5 साल कांग्रेस की है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया बॉर्डर सिक्योरिटी का। इनसे 100 गुना अच्छा करके दिखाएगा भगवंत मान, ईमानदार होगा, नशे वालों से पैसा नहीं लेगा, बॉम्ब भेजने वालों से पैसा नहीं लेगा, ये तो पता नहीं कितने पैसे लेके नशा भी अंदर करते हैं, बॉम्ब भी ऐसी थोड़ी पार होता है बॉर्डर से, कुछ ना कुछ तो पैसे का लेन देन होता है तभी बॉर्डर से पार होता है ये सारी चीजें, तो ईमानदार आदमी है, ये सब चीजें बंद होंगी। ये सवाल थोड़े तो पूछा जाता है कि सरकार अगर थोड़ी आती है सब तो पहला की करोगे फैसले, जे सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, वो पहला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, की यह जहाँ बदलाव तुम स्टार्टिंग लियाओगे? एक तो रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार के ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे कॉन्क्रीट। दूसरी चीज है कि मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सारे बनने में मेरी उम्मीद है कि शायद 15-16 हज़ार मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में बनाने पड़ेंगे। अस्पतालों में दवाइयाँ, स्कूल ठीक करना, ये चीज़ें तो जल्दी शुरू हो जाएंगे मुझे लगता है। एक सवाल राजनीति से हटके है, नशा, नशे पे कंट्रोल तुरंत शुरू करेंगे। बड़ा हल्का फुल्का सवाल है और शायद आप कहेंगे भी हंसेंगे भी, मैं राघव चड्ढा जी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या बॉस नाराज होते हैं कभी कभी, कहते हैं हाँ डांट सुनने को मिलती है जब काम परफेक्शन नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि जब प्यार भी करते हैं तो जोक्स भी सुनाते हैं, तो ये एक अब क्या लगता है कि जब गुस्सा भी आता है आपको तो फिर आप क्लास भी लगाते हैं? नहीं नहीं, वो सारे अपने ही लोग हैं, जैसे एक माँ बेटे को जब कुछ बदमाशी करता तो कभी कभी डांट देती है, ऐसे प्यार में सबको डांट लेते हैं। चलिए क्योंकि लास्ट लम्हे हैं, आपने पंजाब तुसी सारा देखा, क्योंकि हिंदी करते करते मैं पंजाबी भी मैं याद करना पैंदा, ये बड़े एलिगेशन लगे कि पंजाब है या वर्ड्स राजनीति का लेवल बड़ा गिरा के, थोड़ा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेशक सरकार आंदी रहन जाती रहन। अच्छा आपने ये देखा होगा कि मैं जितने मैंने भाषण दिए और जितने मैंने इंटरव्यू किए मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने कहा मैं दिल्ली में स्कूल ठीक करके आया यहाँ भी करूँगा, मैं दिल्ली में अस्पताल ठीक करके आया यहाँ भी करूँगा, मैं दिल्ली में बिजली 24 घंटे फ्री करके आया यहाँ भी, मैं ये इसलिए किया क्योंकि मैंने खूब काम कर रखे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब आप कोई काम ना करो तो आपकी पूरी राजनीति होती है अनपढ़ है, शराबी है, काला है, गोरा है, आतंकवादी है, फिर इसी चीज़ पर आप वोट मांगते हो। इन्होंने कोई काम नहीं किया, बताओ 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, अगर राहुल गांधी कहता है केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दो, तो भाई साहब आपने क्या काम किए 5 साल, आप उसका तो हिसाब दो। चन्नी साहब ने 111 दिन सरकार चलाने के बाद अगर कहता है कि भगवंत मान शराबी है और अनपढ़ है इसलिए मेरे को वोट दो, तो चन्नी साहब आपने 111 दिन काम क्या किए, कुछ हिसाब तो दो। लास्ट रैपिड फायर खेलते हैं अरविंद जी, कांग्रेस नु कितनी सीटा? मुझे नहीं पता जी, जो जनता देगी वो। बीजेपी? मैं इस तरह का कोई गेस नहीं कर सकता, कोई गेस नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता पूरे सिस्टम को उखाड़ के
एक अच्छी ईमानदार सरकार बनाएगी। चलिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इस खास पेशकश विच इन्ना ही, न्यूज़ 18 पंजाब, धन्यवाद।